भाई मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूंगा, मैं आपको मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ। हम जितने भी परदेशी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चाहे आप सऊदीया में हैं, चाहे आप मेरी वीडियो मस्कत, दुबई, कतर, मान, कतर, कहीं भी देख रहे हैं, यार मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा तमाम दोस्तों से कि मेरी वीडियो सबको ना किसी ऐसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, वहां पर और भी परदेशी भाई या कोई मस्कत, मान, कतर, दुबई वगैरह कहीं बैठा हुआ वो भी देख लेगा, अब उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। आपको साथ में वीडियो चलाकर दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, माड़े से माड़ा बंदा भी, जैसा कि हम जैसा कोई लो क्लास, मिडिल क्लास, गरीब बंदा, यार जब छुट्टी जाता है तो उस टाइम हम क्या लेकर जाते हैं यार? माड़े से माड़ा बंदा भी जाए ना, तो वो अपनी बेटी, बीवी, बहन, वालदा के लिए कोई ना कोई चीज तो जरूर लेकर जाता है, कीमती, ठीक है। उसके बाद सामान भी, बेशुमार चीजें होती है कीमती भी। मैं अगर टोटल की बात कर लूं तो 2,000 रियाल से लेकर 5-6 हजार रियाल तक की शॉपिंग होती है खाली। हाँ, आपके पास कीमती मोबाइल अलग से होंगे, जो अगर आपने किसी के लिए लिया हुआ या अपनी पॉकेट में डाला हुआ है वो अलग से मामला होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा, मिड क्लास का बंदा, आम फैमिली का बंदा हमारे जैसा अगर जाता है तो वो भी तकरीबन 8 से 10 हजार रियाल की राउंड में उसके पास शॉपिंग और कुछ नकदी मामला तक डालने, शायद इससे भी बढ़ जाए, वो तो होता ही है। तो ये एक वाक्य पेश है, बहुत ही अफसोसनाक, मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, आप भाइयों को यहाँ पर साथ में मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप बकायदा चला कर दिखा देता हूँ मैं तमाम मेरे परदेसी भाई, खासकर आपके लिए है जी। जैसा कि पहले मैं एक एक्सचेंज रेट वाली वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में, उससे मैंने तफसील आपको भाई बता दी, वो जो रियाल रेट की एंड आज का जो रेट एक्सचेंज रेट था, उस वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि आपके साथ 2-3 घंटे के बाद मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। तमाम मेरे वो परदेसी भाई जो सऊदी अरेबिया से छुट्टी या फाइनल एग्जाम के तौर पर जाते हैं, मैं जो एक्सचेंज रेट वाली वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें उन वीडियोज़ में अक्सर जिक्र कर चुका हूँ मैं, अगर भाई आपने रियाल साथ लेकर जाने हैं तो एहतियात से जाइएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एहतियात से जाइएगा। हमने हमारे मुल्क में जाना है और वो भी डर डर के, और जो टैक्स के मामलात हैं आपको पता है बेशुमार चले हुए हैं पाकिस्तान में परदेसियों को लेकर, वो तो अलग मामला है। अच्छा, ये वीडियो सामने आएगी, इसमें हुआ क्या ये आपको बता देता हूँ मैं। अगर आप पाकिस्तानी जो मेरे भाई ये वीडियो देख रखे हैं, मुझे नहीं पता यार इंडिया या बांग्लादेश में क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो तो हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में जा रखे हैं छुट्टी या फाइनल एग्जाम का, तो आप सुन लें, और आपकी टिकट ख़ास कर रात के टाइम की है, यानी कि आपको पता है कि मैं रात के टाइम उतरूँगा या रात के टाइम घर पहुंचूंगा, तो यार खुदारा जो रियाल है ना वो सेफली करके लेके जाइएगा। उसकी वजह क्या, वीडियो आप देख लें साथ में, सुन लें। अच्छा, अगर आप किसी खासकर गांव में रहते हैं, मैं मुख्तलिफ वीडियोज में जिक्र करता हूं, गांव वाले बंदे जो हैं, यार मेरा भी तलक गांव से ही है, हम भी पेंडू हैं, सीधी बात करूं। अच्छा, अगर हम किसी गांव में रहते हैं तो भाई वहां पर एहतियात से जाइएगा। अच्छा, ये मैं बोलता हूं पिंड को छोड़ दें, गांव को छोड़ दें, ये शहर के मामला आपके सामने है जी। मैं आपको साथ में वो वीडियो चलाकर दिखा रखा हूं, मैं हुआ कुछ यूं कि आप वीडियो में देखते जाएंगे, बकायदा जिस गाड़ी के ऊपर मुलजमान लिखा आ रहा है वो जो डाकू हैं जी, डकैत हैं, उनकी गाड़ी है, और जिस गाड़ी के जो साथ वाली दूसरी गाड़ियां हैं जी, वो बेचारे सऊदीया से आई हुई एक फैमिली, इसमें खवातीन भी थी, इसमें वो मर्द हजरात भी थे साथ में, और ऐसा नहीं है कि रस्ते में कहीं उनको रोक लिया और वहां पर लूट लिया। और ये कराची शहर का वाकया है, यानी कि कराची एयरपोर्ट पर वो उतरे और वहां से निकले सिर्फ अपने घर तक, और घर भी उनका शहर के अंदर है, साथ में देख लें घर बने हुए हैं बकायदा। ऐसी बात भी नहीं है कि किसी गांव में जाना है या वीरान एरिया में जाना है, ऐसी बात भी नहीं है। और घर के बाहर जब जाकर गाड़ियां रोकी हैं तो वहीं पर आकर वो पीछे से, जो पीछे जो इनकी गाड़ी लगी हुई थी वो साथ में आकर ब्रेक लगाई है, वो जो चोर थे डकैत वो नीचे उतरे हैं, सबको उन्होंने पकड़ा है, सबसे लूटमार की है, बैग वगैरह भी आपने देख लिए हैं वो उठाकर ले गए जो सामान के बंदा लेकर आता है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपके साथ एक बात कर चुका हूँ मैं, कि यार हम जब परदेसी कोई माड़े से माड़ा बंदा भी जाता है ना, वो कितना कुछ लेकर जाता है। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि इन भाई साहब का, मैं बोलता हूँ लाखों का नहीं, मैं करोड़ों का नुकसान बोलूंगा, इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। और बाकी ये जो मामला थे आपके सामने हैं, तमाम परदेसी भाई यार जो छुट्टी या फाइनल एग्जाम जा रहे हैं, खुदा रहा एहतियात कीजिएगा यार।